नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन इंडिया में। कहते हैं कि व्यक्ति अगर चाहे तो बड़ी से बड़ी रुकावट उसकी मंजिल के बीच आड़े नहीं आ सकती। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये बातें, ये मिसालें बहुत सुनी और पढ़ी होगी आपने, पर हम इस वीडियो में एक जीते जागते मिसाल से आपको मिलवाने वाले हैं। मिलिए मोहम्मद शम्स आलम शेख से। शम्स आलम पैराप्लेजिक स्विमर है। शम्स के कमर के नीचे का हिस्सा कुछ साल पहले बीमारी की वजह से काम करना बंद कर चुका है, लेकिन पहले शम्स की थोड़ी उपलब्धियां जान लीजिए। उन्होंने 2018 में हुए इंडियन ओपन पैराप्लेजिक स्विमिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते और 2016 में कैंट एम पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इंडोनेशिया के जकार्ता में 2018 एशियाई पैरा खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। लगभग 10 साल पहले मुंबई की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक धारावी के रहने वाले मोहम्मद शम्स आलम शेख का एक ही लक्ष्य था, कराटे चैंपियन बनना। 40 से ज्यादा मेडल और ब्लैक बेल्ट भी शम्स हासिल कर चुके थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2010 में शम्स को पता चला कि उनको स्पाइनल ट्यूमर है और बहुत सारी सर्जरी उन्हें करानी पड़ी, और सर्जरी के बाद कराटे की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का उनका सपना टूट गया। जहां इस वक्त लोग सब कुछ खत्म समझते हैं, वहीं शम्स ने एक नई शुरुआत करनी चाही। उन्होंने अपने लिए विकल्प खोजना शुरू किया और फिर 2013 में उन्होंने तय किया कि अब अपना पूरा ध्यान प्रतिस्पर्धी तैराकी को देंगे, और बहुत जल्द ही उन्होंने तारीफ हासिल करनी शुरू कर दी। जल्द ही तारीफ मेडल में बदल गए और फिर कई नए विश्व रिकॉर्ड भी उन्होंने स्थापित कर दिए। तैराकी से प्यार कुछ इस कदर बढ़ा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद MBA की डिग्री हासिल करने वाले शम्स ने तैराकी पर पूरा ध्यान देने के लिए अपनी अच्छी खासी नौकरी को भी छोड़ने का फैसला कर लिया। शम्स ने कनाडा में 2016 स्पीडो कैन एम पैरा तैराकी चैंपियनशिप में भाग लिया और कांस्य पदक जीता। 2018 में पैरा एशियन गेम्स में भाग लेने का उनका सपना भी पूरा हुआ। शम्स एक नहीं 7 इवेंट्स में भाग लेने के लिए क्वालिफाई हुए थे। तैराकी की दुनिया में अपना नाम बनाने के बाद अब युवा खिलाड़ियों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत भी हैं। वो कई जगह जाकर ना सिर्फ कैंप लगाते हैं बल्कि मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, और लगातार सरकार से पैरा खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने की अपील भी करते हैं, जिससे कई और शम्स देश का नाम रोशन कर सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।